नहीं बैठना। आधे घंटे से फेल ही रहा हूँ, मरता ही नहीं ऐसा। मरने की एक्टिंग कर रहा था। देख कैसे मर रहे हैं तेरी एक्टिंग देख के। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल रावल जी मीडिया में एक बार फिर से। दोस्तों अक्षय कुमार की मोस्ट वॉटेड फिल्म बड़े मियां छोटे मियां जिसे बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुए आज 13 दिन हो रहे, तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे इस फिल्म के शुरुआती 12 दिनों के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में और 13वें दिन के बॉक्स ऑफिस प्रिडिक्शन के बारे में। तो देखते रहिए पूरा वीडियो, मैं आपका दोस्त सुमित के रावल। तो देरी ना करते हुए चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आपसे बता दूं कि बॉलीवुड की मोस्ट वॉटेड फिल्म बड़े मियां छोटे मियां जो कि एक एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसको डायरेक्ट किया है अली अब्बास जफर ने। वहीं दोस्तों इस फिल्म में लीड में देखने को मिल रहे अक्षय कुमार, टाइगर श्रॉफ, पृथ्वीराज सुकुमार, मानसी जिलर, अलाया। वहीं दोस्तों इस फिल्म को 11 अप्रैल को रिलीज किया गया जिसे रिलीज हुए आज बॉक्स ऑफिस पर 13 दिन हो रहे। तो बात करें इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की, तो ये फिल्म अपने पहले दिन 15.65 करोड़ रुपए का, पहले हफ्ते से 49.90 करोड़ रुपए का, दूसरे वीकेंड से 5.65 करोड़ रुपए का, 12वें दिन 1 करोड़ रुपए कलेक्शन कर चुकी। इसी के साथ दोस्तों इस फिल्म के शुरुआती 12 दिनों का इंडिया नेट कलेक्शन हो चुका है 56.55 करोड़ रुपए का। वहीं दोस्तों बात करें इस फिल्म के 13वें दिन यानी आज की, तो यह फिल्म आज लगभग 1.10 करोड़ रुपए कलेक्शन कर रही है। इसी के साथ दोस्तों इस फिल्म के शुरुआती 13 दिनों का इंडिया नेट कलेक्शन हो रहा है 57.65 करोड़ रुपए का, तो इंडिया ग्रॉस कलेक्शन हो रहा है 66.20 करोड़ रुपए का, तो वहीं वर्ल्ड वाइड कलेक्शन हो रहा है 94.30 करोड़ रुपए का। तो दोस्तों ये थे अक्षय कुमार टाइगर साहब की मोस्ट वॉटेड फिल्म बड़े मियां छोटे मियां के शुरुआती 13 दिनों के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की रिपोर्ट। तो दोस्तों अगर आपने ये फिल्म देख लिया तो हमें नीचे कमेंट्स के जरिए बताइए कि आपको फिल्म कैसी लगी। आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और आप भी अक्षय कुमार टाइगर श्रॉफ के डाई हार्ड फैन तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि इस फिल्म की आने वाली सभी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की रिपोर्ट आपको मिल सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।